वैसे एक्चुअली मेरे को हेलमेट लेना था यार, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो हेलमेट है ना यार, ये जो भी लगा रखा है इसकी 12 बजे भी पूरी जुगाहट से पहन रखा है मैंने, एंड अभी ये रिसेंटली 12 बजे इसकी। अंकल कोई हेलमेट मिलेगा क्या अच्छा सा 2200-2300 की रेंज में? अंकल तो कह रहे हैं लेकिन देखते अपन अपने टाइप का है या नहीं। हेलो गाइस एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय वर्ल्ड द एफएम शो। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? यार अभी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब बादल छाए हुए हैं, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का टाइम है, बट अभी क्या सर्दी चल रही है, बारिश का टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मौसम का मजा लिया जाए बाहर चल के। वैसे एक्चुअली मेरे को हेलमेट लेना था यार, क्योंकि मेरा पुराना वाला जो हेलमेट है ना यार, ये जो भी लगा रखा है इसकी 12 बजे भी पूरी जुगाहट से पहन रखा है मैंने, एंड अभी ये रिसेंटली 12 बजी इसकी और मुझे मालूम भी नहीं चला। वो तो जब अचानक से नज़र पड़ी मैंने कहीं जाने के लिए हेलमेट उगाया, तब देखा मैंने कहा इसमें इतने बड़े बड़े दो होल कहाँ से हो गए। फिर जब मैंने मालूम करा ना, तब पता चला कि ये मेरी ही गलती से हुआ। वैसे अजमेर यार कॉम्पैक्ट सी छोटी सी सिटी है एक, एंड यहाँ पे बाइक्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जैसे दिल्ली या मुंबई जैसी सिटीज़ में है। तो इसी वजह से जो इसका सामान है, मतलब जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं बाइक्स के, वो एक्सेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब शॉप्स ही नहीं है तो कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए ऑटो स्टेशन जाना पड़ता है। तो इसी वजह से राइडिंग गियर्स की शॉपिंग करने के लिए मतलब अजमेर से बाहर जाना पड़ता है, लाइकली जयपुर या फिर दिल्ली, क्योंकि यार यहाँ पे जो मतलब लोकल ब्रांडिंग होती है या लो प्राइस में जो भी सामान होता है ना, वो तो फिर भी एक बार आपको मिल जाएगा, बट जो बड़े ब्रांड होते हैं ना वो मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर जो थोड़े बहुत कॉस्टली भी होते हैं ना वो भी मिलना, मतलब मिल तो जाएंगे बट क्या ऑन ऑर्डर फिर मंगवाएंगे और फिर टाइम लगेगा आएगा, उसके बाद भी क्या पता आपका साइज़ नहीं मालूम हो, ऊपर नीचे हो जाए कुछ, तो इससे बेटर है कि बाहर जाके ले लो, वो ज़्यादा सही है। एंड मेरे को तो क्या अभी वैसे ही एक नॉर्मली हेलमेट चाहिए था, तो स्टेशन के रेलवे स्टेशन है उसके आसपास शॉप्स हैं 2-3, वहाँ जाके ट्राई करते हैं, उनमें से किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा, और अगर पसंद आ गया तो अच्छी बात है। वैसे क्वालिटी तो अपन नहीं देख सकते, मतलब जिस रेंज में मैं लेने जा रहा हूँ 2300-2500 के अंदर, तो इस रेंज में अपन क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल कि हाँ एक गुड लुकिंग हेलमेट मिल जाए जो कि मतलब बाइक के अकॉर्डिंग ठीक हो, मतलब बाइक से मैच करता हो, क्योंकि हर एक क्लास होता है ना, मतलब एक हीरो होंडा वाला हेलमेट अपन इस पे नहीं लगा सकते, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, हालांकि हेलमेट वो भी होता है बट स्टिल। तो चलते हैं देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगा समझ में आ गया तो ले लेंगे अपन, अदरवाइज आई विल ट्राई समवेयर एल्स। एंड यार पता नहीं अभी मुझे लग रहा है ऐसा कि बाइक पहले से ज़्यादा पीने लगी है, मतलब इसका एवरेज डिक्रीज़ हो गया है पहले से। अब उसके लिए तो क्या एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो बना लेंगे, मतलब अपन टेस्ट करेंगे तो वीडियो बनी जाएगी एक, तो वीडियो बना के देख लेंगे कि सही में माइलेज ड्रॉप हुआ है इसका, क्योंकि इसके अंदर तो यार 43 या 44 के अराउंड शो करता है ओडोमीटर में, बट प्रैक्टिकली तो मालूम नहीं है अपन को खैर इतना। एंड पहले से बहुत जल्दी पीने भी लगी है, सही में भी जल्दी जल्दी पेट्रोल लगवाना पड़ता है, तो एक बार चेक कर लेंगे अपन। बाकी अगर कम भी होगा तो कुछ कर नहीं सकते उसका, तो क्योंकि क्या कर सकते हैं, अपना राइडिंग स्टाइल ऐसा है, उसको भी अगर अपन थोड़ा ठीक कर देंगे तो स्टिल इंजन की आदत पड़ जाती है ना एक तरह से, कि इंजन उसी अकॉर्डिंग सेट हो जाता है, तो 43-44 समथिंग ही देगा। एंड दूसरी बात यार, जब मैंने नई नई बाइक ली थी ना, तो टेस्ट करा था, तब तो मज़ा आ गया था देख के, 49 का एवरेज मिल रहा था यार उस टाइम, तो मतलब अगर ऐसा एवरेज मिलता तो क्या बात थी, पर चलो कोई नहीं, पैशन डजंट लुक एट योर पॉकेट। एंड यार गाइस अब जाके मुझे समझ में आया, मतलब कि लोग है ना अपनी बाइक को अपग्रेड क्यों करते हैं, मतलब लोअर सीसी से हायर सीसी सेगमेंट में क्यों जाते हैं। पहले मेरे को लगता था कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी है एंड एक्सेट्रा, लेकिन अब जब मैं खुद ओन कर रहा हूँ एक बाइक, तब मुझे समझ में आया, मतलब पहले मेरे पास हॉर्नेट थी तो उसकी पावर मुझे बहुत अंडर पावर लगती थी, एंड देन उसके बाद जब मैंने अपग्रेड करा MT 15 में, तो फिर है ना मतलब इसकी पावर उनको एक नंबर लगी, मतलब उससे तो अच्छी थी, एंड इसका जो एक्सेलरेशन है वो टॉप एंड है वो भी मतलब बहुत प्यारा था, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे इसको यूज हो गया, इससे इसको चला लिया मैंने, तो उसके बाद ये भी मेरे को अंडर पावर लगने लगी। एंड अब क्या है, इंसानी फितरत होती है ना, तो दैट्स वाई दिल मांगे मोर, तो अब क्या इससे ज़्यादा पावर वाली बाइक में अपग्रेड करने का मतलब दिल कर रहा है वैसे अभी, बट पॉकेट है ना इसकी परमिशन नहीं देती है, लेकिन दिल का तो क्या है, वो तो कुछ भी कर सकता है यार। ओ भाई साहब, और यहाँ पे यमराज जी ओवरटेक करते हुए, मतलब यार इनकी ड्राइविंग भी खतरनाक ही होती है, बच के रहना पड़ता है। वैसे हेलमेट स्टोर होने तो यही चाहिए, ये रहा यार, दिख गया यहाँ पे दो हेलमेट स्टोर हैं, तो अपन पहले वाले पे चलेंगे, अगर पहले वाले पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे वाले पे चलेंगे और वहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर तो लंबी राइड लगेगी अपनी, लेट्स सी। अंकल कोई हेलमेट मिलेगा क्या अच्छा सा 2200-2300 की रेंज में? अंकल तो कह रहे हैं लेकिन देखते अपन अपने टाइप का है या नहीं।
ठीक है अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अब कुछ जैसा हेलमेट चाहिए था बिल्कुल वैसा मिल गया, बढ़िया रेंज में। अब चलते हैं, एंड एक एक्स्ट्रा वाइजर भी ले लिया मैंने, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगा। अभी एक दो काम और है अपने, वो निपटा के फिर अपन घर चलते हैं। एंड यार हेलमेट तो मतलब एक नंबर मिल गया, मतलब इसकी जो पैडिंग है और जो इसका शेल है ना, वो एक नज़र में देखते ही मतलब पसंद आ गया था। वैसे तो नॉर्मल स्टील बर्ड के, वेगा के और इन सब के थे, बट ये स्टर्ट्स का हेलमेट था। एंड ये वाला जो था ना, मतलब अलग ही रखा हुआ था और कलर तो इतना प्यारा है यार, और एक नज़र में देखते ही पसंद आ गया। मैंने कहा लेना तो यही है। इसमें क्या है, चिन गार्डन तक लगा हुआ है यार, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर चिन गार्डन लगा है, कमाल की बात है यार ये तो। तो मैंने बिना कुछ सोचे, बिना देर करे ये वाला हेलमेट फाइनल कर लिया। अभी तो क्या है यार, एक OTG लेना है टाइप सी वाला, बिकॉज डाटा ट्रांसफर में कैमरे से मोबाइल में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से OTG लेके चलेंगे। क्योंकि बार बार यार फिर उसको सिम इजेक्टर से बाहर निकालो, देन फिर मेमोरी कार्ड लगा के डाटा ट्रांसफर करो, तो बहुत झंझट रहती है, तो वो लेंगे। एंड फिर बाकी की बातें आपसे करते हैं बाद में। बैग में से अभी अपन ने हेलमेट निकाला है, एंड इस रेंज के अंदर मतलब फिलहाल मेरे को क्या टेम्परेरी हेलमेट चाहिए था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो टेम्परेरी के अंदर जो सबसे बेस्ट लगा ना मेरे को, एंड ये मुझे पड़ा है 2300 का। एंड इसका एक वाइजर है वो अलग से लिया, पहले दिखाता हूँ आपको हेलमेट। ये क्या मेरे को है ना टेम्परेरी चाहिए था, बिकॉज मेरा हेलमेट है ना पुराना वाला, वो खराब हो गया था। अभी आपको वो भी दिखाता हूँ कि उसकी हालत क्या है। तो ये रहा हेलमेट, ये है स्टर्ट्स का थंडर, एंड इसके पीछे 1300 ग्राम लिखा हुआ, पता नहीं अभी ये सही है या नहीं है। एंड इसके अंदर यार टिंटेड वाइजर लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या डुअल वाइजर नहीं आता है, इस वजह से इसके अंदर क्या टिंटेड वाइजर बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। और मेन चीज तो ये देखो, इसकी जो पैडिंग है बहुत प्यारी पैडिंग लगी यार इस प्राइस रेंज के अंदर 2300 रुपए में। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो चिन कर्टन लगा हुआ है, जिससे क्या मोटो ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा ये काम आता है, हालांकि मैं हेलमेट पे माउंट लगाता नहीं हूँ बट स्टिल। एंड इसके साथ यार क्योंकि ये डे के लिए था, तो नाइट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं एक एक्स्ट्रा वाइजर भी लाया हूं। ये रहा, ये मुझे पड़ा है 200 रुपए का, तो मतलब टोटल इसकी कॉस्ट हो गई 2500 रुपए। तो ठीक है यार, 2500 रुपए में अगर टेम्परेरी आपको चाहिए, गुड लुकिंग हेलमेट चाहिए एंड रेसिंग एरोडायनामिक स्टाइल के साथ चाहिए, तो देखो आप इसका डिजाइन देखो, शेल मतलब शेल का डिजाइन मतलब कितना प्यारा है, और कलर भी मतलब कतई जहर वाला है, नियॉन तो जहर वाला कलर होता ही है। और मेन चीज यार नियॉन लेने का रीजन ये है कि नाइट के टाइम इससे क्या विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, मतलब पीछे जो आता है ना तो उसको इजीली दिख जाता है ये नियॉन कलर, तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है। आपको खुलता ही है, हार्ड ही देते हैं यार इसको, क्या करते हैं इसको साइड करते हैं। तो ये रहा वाइजर, और सही एकदम एग्जैक्ट साइज का अलग ही, ये मैंने दूसरी शॉप से लिया था। एंड इसको निकालने का क्या मैकेनिज्म है वो मुझे मालूम नहीं है, इसको पता नहीं कैसे निकालते हैं, इसको पुल करके निकालते हैं, कैसे निकालते हैं नहीं पता मुझे। तो खैर फिलहाल तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर नाइट में कभी राइड करा अपन ने तो चेंज करेंगे, बाकी डे के अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है यार। तो ये रहा गाइस दूसरा वाला हेलमेट, एंड इसकी कंडीशन देखो आप, ये यहाँ से ये गया हुआ है, इधर से ये पूरा गया हुआ, अंदर का इसका शेल दिख रहा है, और ये देखो ऐसा देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक्सीडेंट हुआ हुआ है, बट इसका क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये हुआ क्या था कि साइड में जो ग्रैब रेल है उस पर ना इसके हुक के थ्रू अपन ने टांग दिया था, तो ग्रैब रेल में लगा के उसको टांग दिया, बाइक चलती रही ना तो मालूम चला नहीं, एंड टायर से क्या पूरा घिसता रहा, तो इसकी वजह से पूरा मतलब खोखला हो गया एक तरह से। एंड अभी ये खतरे से खाली नहीं है इसको पहन के चलाना, तो इस वजह से मैंने सोचा फिलहाल कोई इतनी जरूरत नहीं है, तो फिलहाल टेम्परेरी लेते हैं, बाद में लेते रहेंगे, अभी दूसरे भी काम है, तो इस वजह से मैं ये वाला लेकर आ गया। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ना क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और नोटिफिकेशन जो बेल आती है पास में वो भी दबा देना है, जिससे आपको मेरे वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप राइडिंग, एंजॉय एवरी मोमेंट एंड राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।